हिंदू संगठनों का ऐलान, आज कुतुब मीनार परिसर में पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, कहा पूजा भी करने दो। कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। हिंदू संगठनों को खासकर उल्टी लगी भगवान गणेश की दो मूर्तियां को लेकर अधिक नाराजगी है। उनका कहना है कि वहां मस्जिद में लगी मूर्तियां को देखकर लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, इन्हें हटाया जाना चाहिए। इन संगठनों ने मांग की है कि मस्जिद के ढांचे पर लगी सभी मूर्तियां निकालकर इन्हें प्रतिष्ठित किया जाए और उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किए जाने की भी मांग उन्होंने उठा दी है। इन मांगों को लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने अन्य हिंदू संगठनों को साथ लेकर मंगलवार को कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की है। जय भगवान गोयल ने कहा है कि वह अपने समर्थकों के साथ वहां जाएंगे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाने जा रहे ढांचे को मंदिर घोषित करने की मांग करेंगे, वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे किसी भी अन्य धर्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, वे केवल अपनी बात कर रहे हैं कि जब ढांचे पर हमारे भगवान की मूर्तियां लगी हैं तो उन्हें वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए या फिर सभी मूर्तियां ढांचे से निकाली जाएं और वहां एक स्थान पर स्थापित की जाएं जहां उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। जय श्री राम। आज मंगलवार है, आज माँ सीता की जयंती है। आज के पावन अवसर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने संतों के मार्गदर्शन में, जिसको कुतुब मीनार कहा जाता है, कुतुब मीनार नहीं वो विष्णु स्तंभ है, वहां पर अंदर हमारे स्थायी जैन और हिंदू मंदिरों को खंडित करके ये बनाया गया। इसके साक्ष्य आज भी वहां पर है। कल हमने वीडियो बनाई है, वहां जा करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, कि वहां जगह जगह लिखा हुआ है ये विष्णु स्तंभ है, ये विक्रमादित्य जी ने बनाया था। जगह जगह पर वहां हमारी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां लगी हुई हैं। आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने अपना प्रत्यक्ष रखा था। हमारी ये मांग है कि बार बार कुतुब मीनार कहा जाता है, कुतुब मीनार हटाए जाए नाम, वो कुतुब मीनार नहीं वो विष्णु स्तंभ है। स्थायी जैन और हिंदू मंदिरों की जो मूर्तियां हैं उनको सबको एक जगह पर उन्हें जीर्णोद्धार करके स्थापित किया जाए, ताकि हमारा हिंदू समाज वहां जाकर के पूजा पाठ कर सके। इसीलिए आज हम अपने साथियों के साथ संतों के मार्गदर्शन में हनुमान चालीसा का पाठ करने आए हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जो भी असुर शक्तियां हैं सब वहां से भाग जाए, वो स्थान पवित्र हो जाए और वो स्तंभ विष्णु स्तंभ के नाम से, जिसका निर्माण महाराज विक्रमादित्य ने किया था, उसकी पुनः स्थापना हो और पूरा विश्व ये जाने ये कुतुब मीनार नहीं ये विष्णु स्तंभ है। मगर मुझे आज वहां पहुंचना चाहिए था, मगर हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के आदेश पर हमारे SHO ACP कई पुलिस कर्मी सुबह से यहां पर विद्यमान है। लगभग 7 बजे से मुझे आज होश रेस्ट रखा गया है कि मैं वहां पर पहुंच करके हनुमान चालीसा ना कर पाऊं, मगर मुझे खुशी है मैं वहां नहीं हूं, मगर आप सब साथी संत वहां पर पहुंचे हुए हैं। हनुमान चालीसे का पाठ होगा ही होगा और आज हम होम मिनिस्टर गृह मंत्री जी को, हमारे जो सांस्कृतिक मंत्री है उनको, पुलिस कमिश्नर को, मीनाक्षी लेखी भी हमारी मंत्री इस मामले की हैं, सबको ज्ञापन देके मांग कर रहे हैं कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जो मांग है कि कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ है और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को उन्हें स्थापित किया जाए कि हम वहां पूजा पाठ कर सके। बोलिए जय श्री राम, जय कारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।